ओके, गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट। चैप्टर टू दिया है हमारा, क्लास सिक्स। तो चैप्टर वन तो हमारा कंप्लीट हो गया है, क्लास सिक्स में चैप्टर टू है। चैप्टर वन काफ़ी समय लिया उसने, क्योंकि काफ़ी बड़ा चैप्टर था, तो इसलिए चलो शुरू कर लेते हैं। चैप्टर टू, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ओपनिंग स्क्रीन ऑफ विंडो, यानी कि जो डेस्कटॉप है होता है हमारा, उसके क्या क्या एलिमेंट्स रहते हैं, कौन कौन से पार्ट्स उसमें रहते हैं जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट कर देते हैं। और जो हमारी फर्स्ट स्क्रीन आती है, ये वाली, ये हमारी फर्स्ट स्क्रीन होती है, ये हमारे सामने आती है, तो जिसको हम डेस्कटॉप बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके क्या क्या एलिमेंट्स हमारे रहते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ विंडो 7 ओपनिंग स्क्रीन आर मार्क्ड इज गिवन फिगर। तो इसने कहा था डिफरेंट पार्ट्स ऑफ विंडो 7, जब हमारी जो विंडो 7 है उसके अलग अलग पार्ट्स जो होते हैं, जब उसकी ओपनिंग स्क्रीन होती है, फर्स्ट स्क्रीन जब डिस्प्ले होती है, तो उसमें नीचे गिवन फिगर, नीचे फिगर दी हुई है, डिस्कस द फॉलोइंग पैराग्राफ्स, और उसके नीचे एक पैराग्राफ्स भी दिया है, इनके बारे में लिखा भी है। ये फिगर है हमारी, ये डेस्कटॉप है, ठीक है। इस पर ये छोटे छोटे पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सब क्या हैं, ये हमारे आइकन्स हैं, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले दिया है इसने, देखो हेडिंग दिया डिफरेंट पार्ट्स ऑफ विंडो 7 स्क्रीन। तो ये है विंडो 7, पूरी फर्स्ट स्क्रीन है हमारी, जिसको हम डेस्कटॉप बोल सकते हैं। तो इसमें दिया है द डेस्कटॉप, सबसे पहले डेस्कटॉप। एज यू वर्क इन विंडो 7, जैसे आप जानते हो जब आप विंडो 7 में वर्क करते हैं, यू मूव आइटम ऑन डेस्कटॉप, जब आप डेस्कटॉप पर एक आइटम को दूसरी जगह ले जाते हो, रिटर्न व्यू एंड पुट अवे आइटम्स, इधर से उधर खिसकाते हो, एट परफॉर्म मैनी अदर्स डे टू डे टास्क, और पर डे अलग अलग टास्क आप परफॉर्म करते हो, अलग अलग चीज़ें कंप्यूटर पर अपने वर्क करते हो। बाई डिफ़ॉल्ट द ओनली आइटम ऑन द डेस्कटॉप इज़ द रिसाइकल बिन। तो आप देखते हो कि डेस्कटॉप पर एक ही आइटम आपको दिखाई देता है, रिसाइकल बिन। फंक्शन ऑफ द डेस्कटॉप आइकन आर एग्जाम्पल एक्सप्लेन्ड इन द फॉलोइंग टेबल्स। तो नीचे टेबल्स दिए हैं जिसमें हम अलग अलग फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट स्क्रीन जो होती है हमारी, जब हम विंडो को स्टार्ट करते हैं, सॉरी कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, तो जो फर्स्ट स्क्रीन आती है हमारी, इस तरह से, इसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं। कंटेन द मैनी आइकन्स, जिस पर बहुत सारे आइकन्स, फाइल्स, फोल्डर्स आपको मिल जाते हैं, और प्रोग्राम्स भी आपको इस पर मिल जाएंगे। देखो डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं, अलग अलग चीज़ें, तो उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले दिया है कंप्यूटर का आइकन, तो उसने कहा माई कंप्यूटर, माई कंप्यूटर नहीं आता लिखा हुआ, खाली कंप्यूटर आता है, माई कंप्यूटर विंडो XP में आता है। तो यहाँ पर खाली हमारा क्या आएगा, कंप्यूटर। यहाँ पर दिया भी है आपका, इसमें नहीं दिया, केवल रिसाइकल बिन दिया है, तो चलिए कोई बात नहीं। तो कंप्यूटर ये भी हमारा डेस्कटॉप पर ही होता है। दिस आइकन लेट्स यू ब्राउज थ्रू द रिसोर्सेस कनेक्टेड टू योर कंप्यूटर। तो इस आइकन में आपके कंप्यूटर के सारे ड्राइव होते हैं, जो आपके कंप्यूटर में जो भी कमांड्स हैं, जो भी मतलब प्रोग्राम्स है, फाइल है, फोल्डर है, कुछ भी है, एवरीथिंग जो चीज़ होती है वो सारी हमारी कंप्यूटर में होती है, इस आइकन में, कंप्यूटर के आइकन में होती है। ड्राइव सी है भाई, ड्राइव डी, ई, या फिर कोई आपने बाहर से एक्सटर्नल डिवाइस लगाया, वो सब की डिटेल्स आपको जब आप कंप्यूटर को ओपन करते हो, कंप्यूटर का जो आइकन है, कंप्यूटर को तो आपने ओपन कर लिया है, डेस्कटॉप पर जो कंप्यूटर, माई कंप्यूटर का आइकन आता है, उस पर जब आप क्लिक करते हैं तो सारे फंक्शन को ये शो कर देता है। नेक्स्ट क्या दिया है, वन मिनट, नेक्स्ट क्या दिया है हमारे पास, यूजर्स फाइल, कि आपका जो कंप्यूटर है वो किस नाम से, यूजर्स फाइल, कौन सा यूज़र आप यूज कर रहे हो। दिस आइकन रिप्रेजेंट द नेम ऑफ द पर्सनल यूजर वो लॉग ऑन टू कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर में बहुत सारे यूजर्स हो सकते हैं, तो आपको ये बताता है कि आप कौन से यूजर पर वर्क कर रहे हैं, कौन से यूजर को आपने स्विच किया है। नेक्स्ट क्या दिया है, इट इज फोल्डर कंटेन आर यूनिक फॉर एवरी यूजर ऑन द कंप्यूटर। दिस इज फोल्डर कंटेन फाइल एंड बिलोंग टू द यूजर्स। इसमें क्या होता है कि आप फोल्डर कंटेन कर ले तो यूनिक, हर यूजर का ये फाइल यूनिक होता है, अलग होता है, ठीक है भाई, अलग अलग होता है। इसके थ्रू आप क्या करेंगे, इसके थ्रू, इट इज़ फोल्डर कंटेन आर रिक्वायर यूनिक फॉर एवरी यूजर्स कंप्यूटर। दिस फोल्डर कंटेन फाइल एंड बिलोंग टू द यूजर। हर कंप्यूटर में जो यूजर अकाउंट का फोल्डर है, यूजर्स फाइल का जो फोल्डर है, वो एक यूनिक होता है। नेक्स्ट दिया हमारे पास रिसाइकल बिन। तो
स्टूडेंट उसके बाद दिया है हमारे पास रिसाइकल बिन। तो रिसाइकल बिन जैसे देखें हमारे घर में डस्टबिन होती है, जो भी हम कूड़ा बचा हुआ सामान होता है हमारा कचरा वगैरह सब डस्टबिन में डाल देते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर है, ये क्या करता है जितने भी फाइल्स या फिर फोल्डर आप डिलीट करते हो टेम्परेली स्टोर हो जाता है जाकर रिसाइकल बिन में, आप उसे दोबारा से भी ला सकते हैं अगर वो आपने रिसाइकल बिन से डिलीट नहीं किया है। अगर आपने रिसाइकल बिन में चली गई है फाइल डिलीट होने के बाद और वहाँ से भी उसको डिलीट कर दिया है तो फिर वो नहीं आता है। तो क्या दिया रिसाइकल बिन जैसा आया जो हमारे डस्टबिन घर में होता है, तो दिस आइकन प्रोवाइड द टेम्परेली स्टोरेज फॉर फाइल एंड फोल्डर्स दैट यू डिलीट। तो ये टेम्परेली उन फाइल और फोल्डर को स्टोर करके रखता है कंप्यूटर में जिसको आप डिलीट कर चुके हो। उसके बाद यह नेटवर्क, तो नेटवर्क से आप समझिए होंगे नेटवर्क क्या होता है। दिस आइकन ओपन ए विंडो डिस्प्लेइंग द नेम ऑफ ईच सर्वर और कंप्यूटिंग इन योर ओवन ग्रुप। तो अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट है उसको भी शो करता है, अगर आप बहुत सारे कंप्यूटर से एक लैन के थ्रू कनेक्ट हो उसको भी ये शो करता है, कौन सा हमारा नेटवर्क का आइकन। अब नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रोल पैनल की। देखिए नाम से ही पता चल रहा है कंट्रोल पैनल, तो जितनी भी कंप्यूटर में सेटिंग वगैरह करनी है, आपको कोई भी प्रोग्राम इंस्टॉल करना है या डिलीट करना है, डिवाइस लगाना है, कोई प्रिंटर लगाना है, तो सारी चीज़ों को ये कुछ भी चेंज करना है आपको तो हर चीज़ को ये अपने अंदर कंटेन करता रहता है। दिस आइकन ओपन विंडोज़ कंटेनिंग सिस्टम कॉन्फ़िगरेशंस एंड द मैनेजमेंट टूल। तो कंप्यूटर को अच्छे से मैनेज करना, सेटिंग करना, कंट्रोल करना, कुछ भी सारी चीज़ें हैं वो सब इसमें आपको मिल जाती है। तो दिया है कंप्यूटर आइकन, कंप्यूटर इज़ द गेटवे टू रिसोर्स स्टोर इन योर ओन सिस्टम। तो कंप्यूटर एक ऐसा गेटवे है, एक ऐसा मीडियम है जिसमें जितने भी फाइल्स फोल्डर्स प्रोग्राम्स कुछ भी है समथिंग जो भी सब कुछ एवरीथिंग आपको आपके कंप्यूटर में आपके सिस्टम में है वो सब चीज़ आपको यहाँ मिलेगी। कंप्यूटर आइकन ऑन द डेस्कटॉप अलाउ यू टू ब्राउज द थ्रू ऑल द रिसोर्सेज अटैच ऑफ योर पीसी। तो कंप्यूटर आइकन एक डेस्कटॉप पे आपको मिल जाता है और ये एक ऐसा आइकन है जिसके थ्रू आप कुछ भी कंप्यूटर में जो आपके पड़ा हुआ है जो भी रिसोर्सेज है वो आप इसमें ढूंढ सकते हैं। व्हेन यू क्लिक ऑन कंप्यूटर आइकन, जब आप अपने कंप्यूटर आइकन पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है ये विंडो अपीयर, तो आपके सामने एक ऐसी विंडो खुल के आती है, ध्यान से देखिए ठीक है। इसमें आपका CD बहुत सारे, अगर आपने बाहर से कोई एक्सटर्नल डिवाइस लगाया है CD लगाई है कुछ भी लगाया है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ये दिखाएगा। विंडो अपेयर एज द सो इन द फॉलोइंग फिगर्स, तो ये फिगर्स दिए जो मैंने आपको दिखाई ऐसी फिगर आती है। कंप्यूटर्स इन्फॉर्मेशन डिवाइड इन टू द 3 पार्ट्स, कंप्यूटर की जो इन्फॉर्मेशन है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से पार्ट, पहला पार्ट है हार्ड डिस्क ड्राइव, डिस्प्ले द हार्ड डिस्क ड्राइव ऑन द कंप्यूटर। तो इसमें आपको जितने भी हार्ड डिस्क के ड्राइव्स हैं सी है डी है ई है ये सब क्या है, ये सब हमारे हार्ड डिस्क के ड्राइव है। तो ये जो है डिवाइडेड रहता है, पहला पार्ट है हमारा हार्ड डिस्क ड्राइव, दूसरा है डिस्क विद द रिमूवेबल स्टोरेज। तो ऐसे डिवाइस जो आप लगाते हो और उसको रिमूव भी कर सकते हो, जैसे पेन ड्राइव आपने लगाई, CD लगाई, आपने कोई मोबाइल फ़ोन कनेक्ट किया तो वो सबको कनेक्ट करता है। डिस्प्ले फ्लॉपी डिस्क, आपने फ्लॉपी लगाई, फ्लॉपी वैसे आज कोई लगाता नहीं है, CD-ROM लगा देते हैं कभी कभी, जिप ड्राइव से मतलब हमारा पेन ड्राइव वगैरह हो गई, या फिर हम कोई एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगा देते हैं बाहर से तो उसको भी ये दिखाता है। नेक्स्ट दिया है नेटवर्क लोकेशन, क्या दिया है नेटवर्क लोकेशन, इन द लेफ्ट पैन ऑफ द कंप्यूटर विंडोज डिस्प्ले द लोकेशन ऑफ एनी डिस्क ड्राइव और फोल्डर विच इज कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। इसके अलावा लेफ्ट पैन में, यहाँ पर जो लेफ्ट पैन दिखाई दे रहा है आपको ये वाला, ध्यान से देखेंगे ये वाला जो लेफ्ट पैन दिखाई दे रहा है इसमें आपको ध्यान से देखिए आपका लाइब्रेरी है, डॉक्यूमेंट्स है, म्यूजिक है, पिक्चर्स है, विंडोज़ है, ये सारी चीज़ें आपको ये दिखाई देती है। तो ये इसका थर्ड पार्ट हो गया। अब एक मिनट, उसके बाद तो ये 3 पार्ट्स हो गए, हार्ड डिस्क के ड्राइव अलग मिल जाते हैं, अगर आपने कोई बाहर से रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया लगाया है वो अलग से मिल जाता है, नेटवर्क की लोकेशंस है कि आपके कंप्यूटर में कौन कौन से आइकन है, किससे कंप्यूटर कनेक्ट है, वो सारी चीज़ें आपको इस पार्ट में मिलेगी। अब बात कर लेते हैं द टास्क बार, देखने में ये ऐसी होती है बिल्कुल बॉटम पे होती है हमारी स्क्रीन के जस्ट नीचे यहाँ पर ये वाली, इसको हम टास्क बार बोलते हैं। तो ये देखिए अब जूम में देखिए आप स्टार्ट बटन है, इस पर हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर, मीडिया विंडोज प्लेयर, नॉलेज ऑफ फायरफॉक्स, ये प्रोग्राम है, ये भी प्रोग्राम है, ये भी प्रोग्राम, ये सब क्या है प्रोग्राम्स हैं हमारे। तो जो भी आप कोई भी प्रोग्राम खोलते हैं तो उसका भी आइकन हमारी टास्क बार पे शो होता है,
ठीक है। और कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिनको हम अपनी टास्क बार पर उनके आइकन को पिन करके रखते हैं शॉर्टकट को। तो क्या क्या है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। टास्क बार इज़ द हॉरिजॉन्टल बार एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। ये एक हॉरिजॉन्टल टास्क बार होती है, इनके ऐसे ऐसे होती है हॉरिजॉन्टल, और जो ये स्क्रीन की बिल्कुल नीचे होती है, बॉटम पे होती है। लुक एट द गिवन फिगर, जैसे कि नीचे फिगर में दिखाया गया है, ध्यान से देख लीजिए भाई। ये इसकी राइट हैंड साइड है, यहाँ पर टाइम डेट मिलेगा आपको। ये डेस्कटॉप बटन है, सारे आइकन हाइड हो जाते हैं, डेस्कटॉप शो हो जाता है, और ये सब इस पर आइकन दिए। तो चलिए बात कर लेते हैं, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, टास्क बार और इसके फंक्शंस कौन कौन से हैं, फंक्शंस एलिमेंट। तो सबसे पहले दिया है स्टार्ट बटन, ये वाला विंडो बटन भी बोल सकते हैं इसको, स्टार्ट बटन भी बोल सकते हैं। स्टार्ट बटन इट इज़ लोकेट एट द लेफ्ट एंड ऑफ द टास्क बार। तो ये आपको लेफ्ट हैंड साइड में एंड में मिलेगा बिल्कुल टास्क बार के। क्लिकिंग द स्टार्ट बटन, जब आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं, ब्रिंग अप द स्टार्ट मेन्यू। तो एक स्टार्ट मेन्यू आपके सामने स्क्रीन पर, गिवन द फिगर बिलो, नीचे फिगर दी है, नीचे नेक्स्ट पेज पर फिगर दी हुई है, तो आपके सामने एक मेन्यू ओपन होके आती है, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। और उसमें आपको सारे प्रोग्राम्स, जो भी आपके कंप्यूटर में प्रोग्राम्स वगैरह है, कोई फोल्डर वगैरह है, सेटिंग वगैरह, कंट्रोल पैनल, माय कंप्यूटर का आइकन, डॉक्यूमेंट्स का आइकन, सारे आइकन्स आपको उसमें मिल जाते हैं स्टार्ट बटन पे। जैसे आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हो, ये वाला स्टार्ट बटन भी, इस पर आप माउस से क्लिक करोगे, विंडो बटन भी बोलते हैं इसको, क्लिक करेंगे एक मेन्यू खुल के आएगी, उसमें सारी फाइल्स, फोल्डर, प्रोग्राम, आपका डॉक्यूमेंट्स, कंप्यूटर, कंट्रोल पैनल, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर दिखाई देगी। नेक्स्ट क्या दिया है, टास्क बार आइकन। द टास्क बार आइकन रिप्रेजेंट ए सेट ऑफ आइकन्स। तो ये सब क्या है, टास्क बार के आइकन्स हैं। तो सेट होता है पूरा आइकन्स का, यानी कि जो भी प्रोग्राम हम ओपन करेंगे उसका आइकन यहाँ दे, जैसे कि ये प्रोग्राम खुला है हमारा, इसका आइकन यहाँ दिखा रहा है, इसका आइकन यहाँ ये खुला हुआ है। कुछ ऐसे होते हैं जिन पर हम ऑलरेडी से, जैसे रिसकल बिन है, सॉरी इंटरनेट एक्सप्लोर है, ये हमारा ऑलरेडी टास्क बार पर ही रहता है। तो टास्क बार आइकन क्या है, रिप्रेजेंट्स ए सेट ऑफ आइकन्स, इट्स लेट यू लॉन्च प्रोग्राम। तो इसके थ्रू आप प्रोग्राम को लॉन्च कर सकते हो, ओपन कर सकते हो विद द सिंगल क्लिक, एक सिंगल क्लिक से। व्हेन क्लिक्ड, जब आप इस पर क्लिक करते हैं, टीज बटन और आइकन एक्टिवेट क्रिटेरिया फंक्शन। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आइकन आपका एक्टिवेट हो जाता है, इसके फंक्शन एक्टिवेट हो जाते हैं। आइकन फॉर लॉन्चिंग इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो हम कौन कौन से आइकन इससे लॉन्च कर सकते हैं, कौन कौन से आइकन हम दिखा सकते हैं। तो ये ऐसा ना, इंटरनेट एक्सप्लोरर, विंडोज़ मीडिया प्लेयर, विंडो एक्सप्लोरर, इतने सारी चीज़ें हम इसमें दिखा सकते हैं। तो आगे क्या दिया, नेक्स्ट पेज बटन कर लेते हैं। यू कैन आल्सो ऐड योर फेवरेट प्रोग्रामिंग टास्क बार, और आप टास्क बार पर अपने फेवरेट प्रोग्राम को ऐड भी कर सकते हैं। राइट क्लिक द प्रोग्राम, कैसे ऐड करेंगे ये बता रहा है, राइट क्लिक द प्रोग्राम, यू वांट टू ऐड द, किसी भी प्रोग्राम को अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो उस प्रोग्राम पर राइट क्लिक कीजिए, क्लिक पिन द प्रोग्राम टू टास्क बार। तो वहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको, पिन द प्रोग्राम टू टास्क बार। तो क्या हो जाएगा, आपका जो प्रोग्राम है वो आपकी टास्क बार पर पिन हो जाएगा, आ जाएगा ऑटोमेटिकली। स्टार्ट मेन्यू हमारी ये होती है, अभी जब हम स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करते हैं तो इस तरह के, देखो यहाँ पर सारे प्रोग्राम्स दिए हैं, ऑल प्रोग्राम, कंट्रोल पैनल, ये सब प्रोग्राम्स, फाइल्स, ये देखो इधर, कंट्रोल पैनल, नेटवर्क, माई कंप्यूटर, गेम्स, पिक्चर्स, डॉक्यूमेंट, सारी चीज़ें आती हैं। अब नेक्स्ट क्या दिया है, शो डेस्कटॉप बटन। डेस्कटॉप बटन से क्या होता है कि जितने भी प्रोग्राम खुले हैं वो सारे बंद हो जाते हैं और डेस्कटॉप हमारा शो हो जाता है जब इस पर हम क्लिक कर देते हैं। सो डेस्कटॉप बटन इज़ यूज टू टेम्परेली हाइड ऑल ओपन विंडोज टू शो द डेस्कटॉप। तो इससे क्या होता है, टेम्परेली यानी कि पूरी तरह से क्लोज नहीं होते, जब आप डेस्कटॉप बटन पर क्लिक करते हैं तो जो प्रोग्राम आपने ओपन किए हैं वो पूरी तरह से क्लोज नहीं होते हैं, टेम्परेली क्लोज हो जाते हैं, और जो आपका डेस्कटॉप है वो आपको शो कर देता है। उसके बाद यह है टास्क बटन। टास्क बटन आर डिस्प्ले इन द सेंटर पोजिशन ऑफ टास्क बार। तो टास्क बटन हमारी टास्क बार की सेंटर पोजीशन पे होता है। ए बटन अपीयर्स ऑन ईच डॉक्यूमेंट यू हैव स्टार्ट और ईच डॉक्यूमेंट यू हैव ओपन। तो इसकी हेल्प से आप किसी भी जो टास्क बार पर प्रोग्राम्स होते हैं या फिर कोई भी फाइल ओपन होती है, इस पर आप क्लिक करके वो फाइल ओपन और क्लोज कर सकते हैं। यू कैन क्लिक दीज बटन, आप जब इन बटन्स पर क्लिक करोगे द प्रोग्राम
मूव फ्रॉम वन प्रोग्राम और फोल्डर अनादर, तो एक प्रोग्राम दूसरी जगह से मूव हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया, एलिमेंट्स ऑफ अ विंडोज़, जो हमारी विंडोज़ होती है उसके कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि जब हमारी स्क्रीन आती है इसके अलावा भी उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए तो इतना ही पढ़ाएंगे हम, बाकी हम पढ़ाएंगे इसमें कल। तो टास्क बार को आपको सारे फंक्शन पता चल गए, जैसे टास्क बार बटन हो गया, शो डेस्कटॉप बटन हो गया आपका, है ना, टास्क बार आइकन हो गया और स्टार्ट बटन हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट इनमें स्टार्ट बटन होता है हमारा, वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट है लेकिन ज़्यादातर हम यूज़ स्टार्ट बटन का करते हैं। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बाकी कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप पर्सनली फ़ोन करके भी मुझे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।